खबर यूपी के भदोही जिले से, जब पंचायत चुनाव क्षेत्र में वोट को इकट्ठा करने के लिए रुपए बांटकर मतदान को प्रभावित करने का मामला सामने आया है। वहीं वार्ड संख्या 14 के जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी विपुल दुबे व वार्ड संख्या 8 के प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत मनोज कुमार यादव को पुलिस प्रशासन द्वारा सूर्यावा थाना क्षेत्र में महजुदा से गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ उनके पास से उस पोलिंग बूथ की सूची भी पुलिस को प्राप्त हुई जहाँ और भी जगह पैसा बांटा जाना था। आपको बता दें, जिले की पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 14 व 8 के मतदान केंद्र पर मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रलोभन देते हुए 1000 रुपए प्रत्येक मतदाताओं को बांटने के प्रयास में पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने विपुल दुबे और मनोज यादव के समर्थक 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जो मतदाताओं को रुपए बांट रहे थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से नकद 62,500 रुपए समेत 3 गाड़ियां व एक सूची भी बरामद की है, जिसमें उन बूथों के नाम है जहां पैसा बांटा जाना था। सर, चुनाव में कुछ पैसे बांटने की शिकायत आई है और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, क्या है? देखिए, आज मैं निकला था भ्रमण के लिए, तो सबसे पहले जब गैसधारा में पहुंचा तो देखा कि ये विपुल दुबे जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य को वार्ड नंबर 14 से, ये कुछ लोगों को पैसे बांट रहे थे। जैसे ही हम गाड़ी रोके तो इनमें भगदड़ मच गई। इसके बाद हमने इनको पकड़ा और इनकी तलाशी लिया तो इनके जेब से 29,400 रुपये निकले, बाकी पैसे बांट चुके थे, तो ये पकड़े गए। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो देखा कि महजूदा में वार्ड नंबर 8 का प्रत्याशी अजीत यादव, वो भी पैसे बांट रहा था। फिर हमने उसको भी पकड़ा, उसके जेब से भी 29,200 रुपये निकले। इनके पास से कई कई ATM भी मिले हैं। इन दोनों को सूर्यावा में बंद किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा लिखा जाएगा और दोनों को 14-14 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। तो क्या आज आप सादे ड्रेस में निकले थे, तो क्या पहले से ये था कि आज कुछ लोग मतलब पकड़े जाएंगे और पहचान ना सके वर्दी में? नहीं, मैं तो निकला इसी उद्देश्य था कि सादे में ही निकलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसमें कामयाबी भी मिल गई मुझे। अच्छा, इसमें कुछ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कुछ गाड़ियां बरामद हुई, कुछ ऐसी? हाँ, 3 गाड़ियां भी हमने सीज की है और 3 ड्राइवर भी हैं उनके साथ। अच्छा, और आई में भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार किया गया, उसमें क्या है मामला? देखिए, जो फजीयत दुबे हैं और आई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनके ऊपर आरोप है कि वो मतदाताओं को धमका रहे हैं, तो और ये जहाँ से सही पाया गया कि वो धमका रहे थे, इसलिए उनको पकड़ करके जेल भेजा गया है। चुनाव में अभी कुछ समय बचा है, तो ऐसे में इस तरीके की शिकायतें आएंगी, उसको किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल शिकायतें आ रही हैं। हमने पब्लिक को 4 नंबर दिए हैं, 2 DM मैम ने दिए हैं और 2 मैंने दिए हैं, जो 24 घंटे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं नंबर, और लोग इस पर शिकायत भी कर रहे हैं, जिससे उस सूचना पर हम तुरंत जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग मतदान की इस पवित्र प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, इसे अपवित्र कर रहे हैं, उनको किसी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा और पकड़ेंगे, और ये सब पकड़े जाएंगे और ये सब जेल भेजे जाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।